100% करा it is hummable, it is very entertaining और देख के भी बहुत मजा आया. तो आपका कैसा रहा पूरा schedule, ये you know गाने को set करने में, design करने में, how was the whole experience? सबसे पहले तो ये पहला मेरा हिंदी सिंगल है. इससे पहले मैंने जितने भी सिंगल्स किए थे सारे पंजाबी लैंग्वेज में थे, और ये पहला गाना जिसे मैंने कंपोज भी किया है. तो जब ये गाना मैं कंपोज कर रही थी तो मैं सोच रही थी किसकी आवाज़ मेरे, क्योंकि ये गाना पहले सिंगल बनना था, फिर बनते बनते डुएट बन गया. और मैं सोच रही थी किसकी आवाज़ अच्छी लगेगी, किसकी आवाज़. फिर एकदम केसारी जी का ध्यान आया कि क्योंकि एक रॉ आवाज़ है तो उनको भी गाने में साथ लेते हैं. और बहुत मज़ा रहा शूटिंग में. आप देख ही रहे हो कि पूरा मस्ती धमाली हम लोगों ने सेट पे किया, और कुछ हमने ऐसा एक्ट नहीं किया कि स्पेशली हम कुछ एक्ट कर रहे हैं. और गाने को प्यार मिल रहा है, इंडिया नंबर 2 पे हम लोग ट्रेंड कर रहे हैं, 5 मिलियन व्यूज़ हो गए एक दिन में. सो थैंक यू सो मच. ये पूरा एक्सपीरियंस कैसे रहा? गाना भी बहुत एंटरटेनिंग है, बहुत दिनों से कोई मासी नंबर नहीं आया था. क्योंकि आजकल हम जितने भी गाने सुनते हैं मोस्टली या रोमांटिक होते हैं या बहुत ज़्यादा क्लासी होते हैं. तो मुझे लगा कि एक ऐसा मासी नंबर बनाया जा सकता है जिसे जो साइकिल पे चलता है वो भी कहे ये मेरा गाना है, और जो गाड़ी से चलता है उसे भी सुन के लगे ये मेरा गाना है. तो वो चीज़ हमने ध्यान में रख के ये गाना बनाया था. एंड न्यू ईयर का टाइम है, क्रिसमस का टाइम है, पार्टी हो रही है, तो सब लोग आप इस पर पार्टी कीजिए. कोरियोग्राफी की बात करें बहुत अलग है, यू नो आप एक रॉक स्टार सी फील है, और आपके को एक्टर सारीलाल भी बहुत अच्छे लग रहे हैं. तो वो केमिस्ट्री कैसी रही, कुछ इंटरेस्टिंग सेट पे हुआ, कुछ अलग हुआ? उसका सारा क्रेडिट जाता है मुदस्सर खान जी को, क्योंकि मैं जब से मैंने उनका ढिंक जी का स्टेप देखा था तब से मैं उनकी बहुत फ़ैन हूँ, और वन ऑफ द बेस्ट डायरेक्टर्स फ्रॉम इंडस्ट्री. एंड मेरा एक ड्रीम था उनके साथ काम करना. सो उन्होंने ये गाना कोरियोग्राफ किया, जो भी हमें नचाया है, तो ये सारा क्रेडिट उनका है. एंड ही हैज़ डन एन अमेजिंग जॉब. लिखा कुणाल वर्मा ने है गाना, मैं आप सबको बता दूँ. एंड रोमांटिक राजा टाइटल, वो वहीं पे बस उन्होंने गेम ख़त्म कर दी थी मेरे लिए. और अभिजीत वगाने का म्यूज़िक है. जब गाना बन रहा था तो लिरिक्स को लेकर यू नो यू वांटेड अ सर्टेन फील, बिकॉज़ फर्स्ट हिंदी सिंगल है तो स्पेशल होना चाहिए. तो कितनी उसमें आपका इनपुट रहा, क्या तैयारी की आपने? तैयारी या सच कुछ नहीं की. मुझे लगता है कि इट्स यूनिवर्स, जब कोई चीज़ बननी होती है तो वो स्टार्स एकदम सही जगह पे आ जाते हैं और वो चीज़ बन जाती है जो आपको चाहिए. ये किसी किसी गाने में होता है, नहीं तो हम 100 गाने बनाते हैं तो उसमें से 10 ही अच्छे लगते हैं, 90 तो मुझे लगता है हम लोग रिलीज़ ही नहीं करते. सो दिस वॉज वन ऑफ द ट्रैक की मुझे लगता है कि जितने भी गाने मैंने इस साल बनाए उसमें से ये मेरा पसंदीदा अपना सबसे फेवरेट गाना है. क्योंकि जैसे ही ये गाना चलता है मैं खुद डांस करना शुरू हो जाती हूँ, और जब ये स्टूडियो में हम लोग बना रहे थे जितने भी लोग बैठे थे डांस कर रहे थे. सो आई होप कि आप सबको भी थोड़ी डांसिंग फील तो गाने से आई है मज़े वाली. बिल्कुल बिल्कुल, एब्सोल्युटली. खास करके केसरी की बात करते हैं जी, भोजपुरी में सुपरस्टार माना जाता है. बिल्कुल. तो आपका जब फर्स्ट टाइम पे मुलाकात हुई तो बातचीत हुई तो भोजपुरी में खास करके गाना गाते हैं, ये हिंदी गाना गाए, तो किस तरह एक्सपीरियंस रहा केसरी का और आपका? बस उनको डबिंग में बहुत डर लग रहा था कि हिंदी शब्द है मैं कैसे बोलूँगा, बट वो बहुत ही ज़्यादा मेहनती है. और दो बार उन्होंने गाना डब किया कि नहीं मेरा एक एक शब्द प्रॉपर आना चाहिए, हिंदी का प्रॉब्लम नहीं लगना चाहिए गाने में. एंड बहुत ही ज़्यादा हार्ड वर्किंग है, 24 घंटे रेगुलर हमने ये गाना शूट किया. पहले दिन 6 बजे शुरू किया, अगले दिन सुबह 6 बजे पैकअप किया था. तो एक मिनट भी कोई टैंट्रम नहीं सेट पे, कोई ऐसा माहौल नहीं, बहुत अच्छे से फैमिली वाला एक माहौल, और बहुत अच्छा लगा उनके साथ काम करके. कितना भोजपुरी सीखा है आपने के साथ? मैं कल वाराणसी में थी, कल हम गाना वाराणसी में लॉन्च कर रहे थे, और वहाँ जाके मैंने 2-3 वर्ड सीखे हैं, एक गर्दा, एक बवाल, और एक क्या कहते हैं आई बा बा. तो ये 3 चीज़ें मैं सीख चुकी हूँ. तो इससे पहले आपने पंजाबी गाना गाया और अभी आपने हिंदी गाना गाया, तो दोनों में आपको क्या फ़र्क दिखता है? पंजाबी गाने तो देखो अपना स्वाद है, क्योंकि पंजाबी मेरी मदर टंग है, मेरी मदर लैंग्वेज है, तो जब पंजाबी से कोई गाना गाई दे तो बहुत स्वाद आता है. बट हिंदी भी मैं करना चाहती थी, क्योंकि हमारे देश में बहुत सारी ऑडियंस ऐसी है जो पंजाबी प्रॉपर नहीं समझ सकती, और जो मेरी पंजाबी ऑडियंस है उनको एक मेरा नया फ्लेवर देखने को मिला, और जो मेरी हिंदी ऑडियंस है जो बहुत टाइम से मेरा हिंदी गाना मिस करी थी, क्योंकि बॉलीवुड प्लेबैक के बाद मैंने कुछ भी हिंदी नहीं गाया था, मैं सारे सिंगल्स पंजाबी में गए थे. सो दे आर वेरी हैप्पी, सो आई एम ऑल्सो हैप्पी. बिल्कुल. रेडी शेडी होने में टाइम तो लगे है,
वेट कर पाऊंगा ना तेरा अब मैं ज्यादा, बस आजा मेरी रोमांटिक राधा, मैं आई मेरे रोमांटिक राजा, बस आजा मेरी फैंटास्टिक राधा, मैं आई मेरे रोमांटिक राजा। ये गाने की बात करते हैं तो आपके दिमाग में कैसे आया कि केसरी को ही टारगेट किया, कब मतलब उसको ही लेना है, किस तरह गाना लिखा है? जब ये गाना मैंने कंपोज किया था तो मुझे एक इसके लिए राउडी सी आवाज़ चाहिए थी, एक देसी आवाज़ चाहिए थी मुझे, कोई भी जैसे आजकल बॉलीवुड में सिल्की सी आवाज़ें चल रही हैं मुझे वो नहीं चाहिए थी, जैसी पंजाबी आवाज़ है मुझे वो भी नहीं चाहिए थी, मुझे एक आम आदमी की आवाज़ चाहिए थी जिससे लोग कनेक्ट हो सके गाने से, क्योंकि जो एक मुझे लगता है मेरी आवाज़ थोड़ी सी जो लोग गाड़ियों में चलते हैं या जो लोग अपने प्राइवेट व्हीकल से चलते हैं वो मेरी आवाज़ से कनेक्ट करेंगे, और जो लोग बिल्कुल साइकिल पे चलते हैं या लोकल्स में जाते हैं उनको केसरी जी की आवाज़ अपनी आवाज़ लगेगी। तो मेरा ये आइडिया था कि ये हर बंदा इस गाने से रिलेट करे, एक ऐसा हमने कॉम्बिनेशन कोलैबोरेशन ऐसा बनाया। लेकिन उसका कुछ कहने का था, थोड़ा सा लुक भोजपुरी टाइप का रहेगा ऐसा कुछ? बिल्कुल भी नहीं, मुझे बिल्कुल बॉलीवुड का गाना लगता है, आपको नहीं लग रहा था? नहीं, नहीं, ये हिंदी, लेकिन उसकी कुछ राय थी कि थोड़ा सा लुक आगे पीछे, कुछ सिंगर भी है ना तो थोड़ा उसने कुछ आपको बताया? नहीं, ये गाना हमने बिल्कुल बॉलीवुड के हिसाब से ही ट्रीट किया, और मुदस्सर जी ने बिल्कुल हमें वैसे ही नचाया जैसे हमने लोगों के गाने देखे हैं स्टार्स, तो आज हमें खुद बड़ी अच्छी फीलिंग आ रही है वो देख के कि उन्होंने हमें उस स्केल पे शूट किया। बात की जाए बॉलीवुड के, नो हिंदी का एक हमेशा एक रहता है, एक रोल मॉडल रहता है, सो आप भी यू नो यू सच अ वेटरन सिंगर पंजाबी में भी, यू आर रूलिंग राइट नाउ एंड हिंदी में भी, ऑफ कोर्स दिस लुक्स लाइक अ मेगा एंट्री, तो यहाँ पे जब बात की जाए तो हु वुड यू सी योरसेल्फ सिंगिंग फॉर, यू नो प्लेबैकिंग फॉर? प्लेबैकिंग आई थिंक आई वांट टू प्लेबैक फॉर प्रियंका चोपड़ा बिकॉज़ आई हैव ऑलवेज लाइक्ड हर सिंस आई वाज अ लिटिल चाइल्ड, सो या प्रियंका। विगड़ी पिछे ना जो लखाई फिर दे, जानू से आपा मेरे पाई फिर दे, मेरे पिछे लेंदा का तो मुल मुंडे आ, लड़ाई फिर दा चाई चाई फिर दा, निवेल पुणा लेखा च लखाई फिर दा, यार तेरा अख जी खड़ाई फिर दा, माल अफगानो मंगाया गोरीये, जेड़ा खाई फिरदा ताही हाई फिरदा, वे गड्डी पिछे ना जो लखाई फिरदा। थैंक यू। सो यहाँ यू नो आपको लगा था कहीं उनका खेसारी लाल जी का कुछ उनका फीडबैक रहा कि नहीं आई डोंट वांट टू एक्सपेरिमेंट दिस, या मैं एक सर्टेन वे में आई एम रिसीव, तो आपको उसमें कुछ लगा उनका इनपुट रहा किसी तरीके का? केसरी जी इज़ वेरी वेरी टैलेंटेड एंड जब हम लोग रिहर्सल्स वगैरह कर रहे थे तो वो बहुत खुद बहुत डरे हुए थे कि मैं कैसे कल परफॉर्म करूँगा और इतने टफ डांस स्टेप्स हैं और ये, बट ही इज़ अ गुड डांसर, सो उन्होंने सब पिकअप कर लिया, आई डोंट थिंक ये कोई प्रॉब्लम आई। और सबसे बेस्ट मोमेंट एक गाने का होता है गाने के समय और शूट करने के समय, जो यू नो एक मेमोरी रह जाती है, एवरी सॉन्ग इज स्पेशल जी, सो व्हाट वुड यू टेक बैक होम? आई थिंक शूटिंग से भी ज़्यादा कल जब गाना पूरे इंडिया में ऊपर चढ़ गया था लिस्ट में, वो मेरी सबसे बड़ी मेमोरी है क्योंकि बहुत 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 मेहनत लगी है गाने के पीछे, और वो मेहनत सफल तब होती है जब आप लोग उसे प्यार देते हैं, सो वो प्यार जब कल मिला मुझे लगता है वो एक कहते हैं ना जब आपको कोई भी चीज़ की सक्सेस मिलती है तो आपके दिमाग में एक वो रिलीज होता है, केमिकल रिलीज होता है, डोपामाइन, सॉरी मेरी इंग्लिश थोड़ी ख़राब है, डोपामाइन, तो वो डोपामाइन की मेमोरी मुझे कल वाली याद रहेगी हमेशा। तो वाराणसी में कैसा रहा एक्सपीरियंस गाना, अब आपने वो फील भी ली एक यू नो हिंदी गाना यहाँ पे, अब बॉम्बे में ऑफ कोर्स वी आर मीटिंग यू टुडे प्लस इन वाराणसी, सो हाउ वाज इट यू नो एक्सपीरियंसिंग अ सॉन्ग लॉन्च इन वाराणसी इन हिज सिटी? वाराणसी वाज गुड, मैं सॉन्ग लॉन्च तो ऑफकोर्स था ही, उसके अलावा मैं घूमी भी काशी विश्वनाथ टेम्पल होके आई, ब्लेसिंग्स ली वहाँ पे महादेव की, और गंगा रिवर पे होके आए, और कल लॉन्चिंग की, कल वहाँ के मीडिया से मिले, वहाँ के स्टार्स से मिले, वहाँ के जो रील्स बनाते हैं लोग उनके साथ इंट्रैक्शन हुई, सो पंजाब में रह के भी वो लोगों से हमारा इंट्रैक्शन हमेशा चलता रहता था क्योंकि बहुत सारे यूपी बिहार के लोग पंजाब में भी
है और वो बड़े इंटरेस्टिंग से कैरेक्टर मुझे शुरू से लगते हैं. तो कल वहाँ जाके पता चला कि बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, क्योंकि कुछ भी होता है तो दो दो मिनट में लाइव आके पूरी लड़ाइयाँ होती है वहाँ, पूरा माहौल गर्म रहता है, मतलब ठंडा नहीं रहता माहौल किसी भी टाइम. सो ये मुझे सबसे इंटरेस्टिंग बात लगी वहाँ की. There's a vast spread geographically, अगर देखा जाए तो पंजाब, you know, UP, Bollywood, Bombay, and you know. So as an artist, do you find it challenging कि you know अलग-अलग या music is universal language? What do you have to say on that, Jupra? ऑफ कोर्स म्यूज़िक इज़ यूनिवर्सल लैंग्वेज, क्योंकि बहुत सारे ऐसे अभी पीछे ही गाना हिट हुआ था मनी के मागे हिट है, किसी को मुझे नहीं लगता यहाँ पे किसी को भी कोई वर्ड उसका समझ आया होगा, बट हम सब ने उस गाने पे ग्रूव किया. सो म्यूज़िक हैज़ ए यूनिवर्सल लैंग्वेज क्योंकि वो यहाँ छूती है. सो या दैट्स इट. कल आपका एक रील भी वायरल हुआ था खेसारी जी के साथ में, कोई गार्डन का. किसका गार्डन में कोई आपका रील वायरल हुआ? जी जी जी. कल हम लॉन्च पे थे रोमांटिक राजा का, कल लॉन्च कर रहे थे वाराणसी में. तो एक जो हमारा हुक स्टेप है गाने का, जो आपने इसमें वीडियो में भी देखा, और तो वो हुक स्टेप हमने कल रील पे बना के डाला, जिसे सारे ऑडियंस बहुत प्यार दे रही है. और मैं यही रिक्वेस्ट करूँगी कि आप सभी वो हुक स्टेप करके और रील्स बनाएं और फटाफट गाने पे 1 मिलियन रील्स भी कर दें प्लीज़. ये गाना हिट हुआ तो अगले गाने पे पक्का. थैंक यू. Yeah.